आसान ज़िंदगी। तो दोस्तों इस समय हम खड़े हुए हैं जिनहट के जूनियर हाई स्कूल में, जहां पर चल रही है एक भव्य श्री राम कथा। जैसा कि आप देख रहे हैं हम पंडाल के अंदर आ गए हैं और ये कथा श्री साकेत धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के क्रांतिकारी कथावाचक श्री बाल भरत व्यास जी के द्वारा की जा रही है, जो कि बाल भरत व्यास जी महाराज एक वास्तव में क्रांतिकारी कथावाचक हैं। और हम आए हुए हैं, आप जैसा कि आप देख रहे हैं ये मंच बना हुआ है, मंच पे व्यास गद्दी है, महाराज जी इस पे बैठेंगे और अपनी कथा का वाचन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो इसकी मत कीजिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। किसके पीछे चल दिया था? एक जटा वाले के पीछे। अब आजकल तो आपके घर के 15 वर्ष के लड़के हैं। आज आपके घर के यहाँ बड़ी खुशी की बात है कि कथा में नौजवान भी आते हैं। धर्म कार्यों में राष्ट्र के कार्यों में नौजवान नहीं आएंगे, नवयुवक नहीं आएंगे तो ना तो धर्म की रक्षा होगी और ना तो देश की रक्षा होगी। भगवान श्री राम एक संत के पीछे पीछे चल पड़े थे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपका भी 20 साल का 18 साल का बेटा संत के पीछे पीछे चल पड़े, लेकिन एक बात नोट कर लीजिएगा, आप और आपके घर के बच्चे भारतीय संस्कृति को देखकर हंसी न उड़ावें, आपके घर के बच्चे संत महात्मा को देख करके मजाक ना बनाएं। पीछे पीछे क्या चलोगे आप? संतों के लिए धर्म के लिए तुम हथियार क्या उठाओगे? राम जी ने तो उठा लिया था, सैनिक बन गए थे, और तुम मजाक उड़ा रहे हो। राम रहीम आ गए, राम पाल आ गए। जहां देखो जिधर जाता हूं, ये नौजवानों के मुंह से एक बात निकलती है, तुमने च्यवन अंगिराद गर्ग और गौतम को नहीं पहचाना, वो इतिहास तुम भूल गए हैं। महात्मा श्री विश्वामित्र के पीछे रघुनाथ चल दिए हैं। चार पंक्ति बोलकर आगे बढ़ना चाहूंगा, ये चार पंक्ति आप लोग अपनी डायरी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कि लुटता हुआ वतन, कि लुटता हुआ वतन देख कर खौले नहीं और सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की। लुटता हुआ वतन और देख कर खौले नहीं, सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की। और स्वार्थों के चौसर पे हारती ही जा रही हो, स्वाभिमान शून्य जिंदगानी किस काम की। कि जिसमें ना त्याग देश प्रेम ही ना बलिदान, और यार जिंदगी की वो कहानी किस काम की। अब कर्ज बिना माटी का चुकाए ही जो ढल जाए, दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की। कर्ज बिना माटी का चुकाए ही जो ढल जाए। दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र को रघुनाथ को समर्पित कर दिया, सौंप दिया, धर्म की रक्षा के लिए, अविद्या के विनाश के लिए, राक्षसों के विनाश के लिए। कि जवानी किस काम आएगी? ये गुटका का प्रचार करने वाले, दारू का प्रचार करने वाले, जिनको आप लोग हीरो कहते हैं, शर्म आती है, उनके फोटो टी शर्ट पर छाप करके पहने घूम रहे। कोई रजनीगंधा का प्रचार कर रहा है तो कोई पता नहीं क्या 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 कहते हैं, उनको आप लोग हीरो कहते हैं। नशीली वस्तुओं का प्रचार, अभी कोई गांजा लिए पकड़ा जाए तो जेल हो जाएगी, उसी गांजा का प्रचार कर रहे हैं, उसी मादक पदार्थों का प्रचार बड़ी बड़ी 20x30 की होल्डिंगों में हो रहा है। और सबसे अधिक आकर्षित हो रहा है देश का नौजवान। हीरो देखना है तो आज के प्रसंग में देखिए, उन्होंने धनुष उठा लिया है। सारे विश्व का कल्याण करने वाले यज्ञ का जो विनाश करेगा उसका श्री राम विनाश कर देंगे, ये प्रतिज्ञा लेकर अयोध्या से राम विश्वामित्र के पीछे चले। कितने लोगों ने हीरो कहा इनको? ये कोई नहीं कहता, सब कहते तो काल्पनिक थे, तो हुए ही नहीं। अपने विनाश का बुलावा ये हिंदू किस तरह दे रहा है? तो आज भगवान की इस पावन विवाह की घड़ी में हम आपको मिथिला नगरी लेकर चलते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि रामायण में चार ही नगरी है, पहली अयोध्या, अयोध्या बुद्धि की नगरी है, और मिथिला मन की नगरी है, चित्रकूट चित्त की नगरी है, अहंकार की नगरी लंका, मन की नगरी
जनकपुरी बुद्धि की नगरी अयोध्या, बुद्धि का काम जानते हैं, आज तो कथा में चलेंगे चाहे जो हो जाए, चाहे जितना नुकसान हो जाए, आज तो चल के मानेंगे ये काम बुद्धि का है, मतलब निश्चय कर लेती है। अब मन का काम क्या है पता नहीं, समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि समय मिल पाएगा। मैंने ज्यादा तर्क वितर्क करना, ज्यादा इधर उधर की बातें, संकल्प विकल्प करना मन का काम है। तो जनकपुरी वाले जो है यही कर रहे हैं, संकल्प विकल्प, पता नहीं राम जी धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं सीता जी का विवाह हो पाएगा कि नहीं। और अयोध्या बुद्धि है जो निश्चय करती है कल राम बन जाएंगे और नहीं जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी, कहके बुद्धि। चित्र चित्रकूट है, राम जी का फोटो खींच लेता है, अरण्यकांड में आगे बताऊंगा, समय अभाव बहुत रहता है, कुछ बता नहीं पाता हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं एक एक मिनट कीमती है कथा में। हम अपने मोबाइल स्विच ऑफ करके कमरे में रख जाते हैं, तीन तीन मोबाइल लेके कथा में बैठोगे तो तीन घंटा बैठे तो रहोगे लेकिन श्रोता कभी नहीं बन पाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल छोड़ दो, लेकिन जो बीमारी है बता रहा हूं। एक बहुत बड़े सेठ जी भागवत कथा चल रही थी, आगे 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 आके बैठते, दो नौकर लाके बैठते, हाँ अब फिर मोबाइल लगा, हाँ हेलो, कुत्ते को ब्रेड दिया कि नहीं दिया, नौकर को फोन लगा, आगे बैठ गए, कुत्ते को ब्रेड दिया, थोड़ा मक्खन लगा के देना, मक्खन, अभी मैं कथा में बैठा हूँ, बाद में बात करो, सुनो फूफा जी आने वाले थे, रेलवे स्टेशन जाकर के उनको रिसीव करके ले आना और बढ़िया चाय पिला देना, सुनो शुगर के मरीज है, चीनी मत डालना, अभी बाद में फोन करना, मैं कथा में बैठा हूँ। अरे हम कहा तुम कलेश हो कि कथा में बैठे हो भाई, मैंने पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है कि मैं कहां बैठा। मैं आपको सही बताऊं, तमाम मुख्य अतिथि बनके मंच पे आ जाते, उनको ही नहीं पता है मैं कहां बैठा, मोबाइल, हाँ हेलो गोलू आया कि नहीं, यार कथा चल रही है, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, जोर से जयकारा लगाए, वीर बजरंग बली की। आज के समय में क्रांति की आवश्यकता है, क्रांति माने झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, क्रांति माने परिवर्तन। क्रांति नहीं आएगी कथा पंडालों में तो कथा वथा कोई पूछे उछेगा नहीं, यदि इतना ही लकीर पीटते रह जाओगे कि गेहूं की केवल रोटी बनती है तो फिर गेहूं का कोई मूल्य होने वाला नहीं है। अब जब ये प्रचार हो जाएगा नहीं गेहूं की पूरी भी बनती है, गेहूं का पराठा भी बनता है, गेहूं का समोसा भी बनता है, गेहूं का बिस्किट भी बनता है, तब गेहूं का मूल्य होगा। ये लकीर पीटना बंद करो। तारका को मारा भगवान ने सबसे पहले, प्रेमियों तारका नारी नहीं है, तारका राक्षसी है, नारी के वेश में हर कोई पूजनीय नहीं होता। कृष्णावतार में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मारा, और रामावतार में सबसे पहले ताड़का को मारा, सुबाहु को भगवान नगरीबाण से मारा, मरीज को उठा करके मानवास्त्र से, वाल्मीकि रामायण में 32 प्रकार के अस्त्रों का वर्णन है, मानव मोहन गंधर्व, अस्त्र और शस्त्र माने जानते हैं, अस्त्र जो फेंक के चलाया जाए और शस्त्र माने जो पकड़ के चलाया जाए, बोले ये बंदूक बंदूक जितनी है रायपट ये सब अस्त्र में आते हैं, और जो पकड़ के चला जाए तलवार शस्त्र, अस्त्र और शस्त्र, ये 32 प्रकार के वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, और उनके नाम भी लिखे हैं, मानव मोहन गंधर्व स्वापन विलापन जरंभण सुदुर्जय वज्रास्त्र कालास्त्र पिनाकास्त्र सूखी गीली दो प्रकार के शनि है कौन का अस्त्र मंथनास्त्र वायव्यास्त्र ऐसे तमाम अस्त्र। लोग सोचते हैं लोग सोचते हैं एक 47 बन गई तो बहुत ही आधुनिक अस्त्र हमें मिल गया, प्राचीन काल में बड़े आधुनिक अस्त्र थे। उनको राम जी को समर्पित किया। आजकल जो एटम बम है परमाणु बम है हमारे ग्रंथों में उसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता था जिसका कोई निदान नहीं है, महाभारत आदि ग्रंथों में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि एक ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्रों का वर्णन है प्रेमियों कि पढ़ते ही मन प्रसन्न हो जाता है। ये हमारी विधा थी, प्राचीन विधा थी, प्राचीन विज्ञान था।
एक यज्ञ तो भैया पूरा हुआ, जोर से बोलो यज्ञ भगवान की। अरे यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ विष्णु का रूप है। और ये कथा सुनना न कलयुग में, ये ज्ञान यज्ञ है। अरे हे यज्ञ पुरुष भगवान, तुम्हारी जय हो। आप लोग क्यों हंस रहे हैं? अरुण जी पर्ची ला रहे हैं इसलिए, पर्ची के बिना खर्ची नहीं निकलेगी। एक यज्ञ पूरा हुआ, यज्ञ एक ज्ञान है। माताओं, हर व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। फ्रांस के एक ट्रेले नाम के वैज्ञानिक ने कमरे में हवन किया था। कहा देखने करके जरा, ये भारत वाले ये हवन करते हैं कि इतना ऑक्सीजन बनता है उतना ऑक्सीजन बनता है। तो प्रियो, गाय के घी से ही हवन का विधान था पहले। बाजार में घी मिलता है, इससे तो यज्ञ करो चाहे ना करो, पता नहीं मोबिल ऑयल है कि ग्रीन से, भगवान जाने क्या। मैं बताऊं आपको, जितना हैंडपाइप में पानी नहीं निकलता है उतना घी आपको 10 मिनट में मिल जाएगा इस देश के। उस यज्ञ से तो प्लीज हवन मत करिएगा, अखंड रामायण का पाठ करवा लीजिएगा। हवन करना तो गाय के घी से करना। एक यज्ञ पूरा हो गया, दूसरा यज्ञ बाकी है कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ तो अब धनुष यज्ञ है ना। क्यों? कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। अरे हरस चले मुनि बर के साथ, हरस चले मुनि बर के साथ, हरस चले मुनि बर के साथ, हरस चले मुनि बर के साथ। धनुष परीक्षित राजा को जब सुखदेव जी श्रीमद् भागवत सुनाने लगे थे ना, तो ए भाई बहुत काम की बात बता रहा, चार चीजों को जीतने के लिए कहा था सुखदेव स्वामी ने। प्रथम स्कंद के प्रारंभ में भागवत में बोले, राजन ये भागवत या कोई भी चरित्र अंदर तभी जाएगा जब चार चीजें आपके द्वारा जीती जाएंगी। परीक्षित जी बोले, गुरु जी जल्दी बताइए वो चार चीजें कौन कौन है। तो सुखदेव स्वामी बोले, पहले जीता सनो आसन जीतो, और नंबर दो जीत श्वासो श्वास जीतो। सबको सवेरे प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम दो पांच मिनट लगता है, जरूर करना चाहिए। ये श्वास है तो सब कुछ है। जित संगो आसक्ति जीतो, कम से कम 3 घंटा तो रजनीगंधा कथा में तो मत खाओ, ठीक, ज्यादा तो नहीं जीत सकते। और चाहो तो छोड़ दो, संकल्प करा देते, फूल देके हाथ में कसम खिला देते, आओ है हिम्मत नहीं, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं खाता। नहीं नहीं जबरदस्त, नहीं नहीं जबरदस्ती, कोई जबरदस्ती नहीं किसी से। अभी मौका है 4-5 दिन का, आखिरी तक आप दान देना चाहे सबसे बड़ा दान है। आश्रम के लिए 10 बोरी सीमेंट मत देना, लेकिन अपना गुटका बीड़ी सिगरेट हमको दे देना तो बड़ा अच्छा रहे। सोचे छुट्टी मिली सीमेंट तो नहीं देनी पड़ेगी। ध्यान से सुनेंगे, जितेंद्रिया इंद्रिय जीतो, कथा में ज्यादा नहीं। यदि कथा सुनने बैठे हैं तो आसन तो जरूर जीत लो, आसन पर आसन सबको जीतना। एक व्यापारी दिन भर दुकान पर बैठा रहता है ना, कहते हैं उनकी बड़ी तगड़ी दुकान चलती है, अरे उसने यार आसन जीत लिया है, वो बैठा है, ग्राहक है तो भी बैठा है और नहीं है तो भी बैठा है, कहीं कोई बैठा है स्थापित है तो सबसे पहले उसने आसन जीत लिया है, और आपका आसन कच्चा है इसलिए आप फेल हो जाते हैं। आगे आगे गुरु महाराज हैं, पीछे पीछे राम जी हैं, और उनके पीछे लक्ष्मण जी हैं, तीनों जा रहे हैं जनकपुरी, वहां क्या करने जा रहे हैं बताना जरा, धनुष तोड़ने जा रहे हैं। बस एक लक्ष्य है, धनुष तोड़ना, और हर व्यक्ति का लक्ष्य ही होना चाहिए जीवन में एक धनुष तोड़ना। और जब तक धनुष नहीं तोड़ोगे तब तक सीता की माला आपके गले में, सीता माने एक मिनट, सीता माने सफलता,
फेल ही तो हो रहे हो, हर काम में कर महाराज, कपड़े की दुकान किया फेल हो गए, क्योंकि क्योंकि तुम्हारे आगे तुम्हारा गुरु कभी नहीं चला, तुमने किसी को गुरु माना ही नहीं, अपने से श्रेष्ठ कभी आपने किसी को माना ही नहीं, और आपके आगे जब तक कोई चलने वाला नहीं होगा तो पीछे तो आपके कभी कोई चलने वाला होगा ही नहीं, नोट कर लीजिए इस बात को, आप सदैव आगे आगे चले, अपने आगे किसी को नहीं रखा, राम जी ने अपने आगे विश्वामित्र को कर दिया था। जीवन में कर्म का धनुष वही तोड़ता है प्रेमी, जिसके आगे उसका गुरु होता है और जिसके पीछे उसका छोटा भाई होता है, दोनों गायब है, गुरु तो भाई नहीं है, भाई से मुकदमा चल रहा है, थोड़ी थोड़ी चीज के लिए झगड़ा है, वो उसके लड़के की शादी में नहीं बारात जाता है, उसके लड़के की शादी बारात नहीं जाता। एक जगह में भागवत करने गया, अभी जल्दी की बात है, 15 दिन या 1 महीना हुआ होगा, जब अंतिम दिन भंडारा हुआ तो उसके 2 भाई आ गए, बोले महाराज हम क्या भोजन नहीं करेंगे, अरे हमका आज ही दिन मिला था, आपका छोटा भाई जब तक आपके पीछे नहीं चलेगा, आपका गुरु जब तक आपके आगे नहीं चलेगा, तब तक वो धनुष धरा का धरा रह जाएगा और सफलता माला लेके चली जाएगी। उनके आगे उनके गुरु थे, राम जी बोले गुरु जी थोड़ा रुकना, गुरु जी महाराज ये आज एक ऐसा दरबार, ऐसे दरबार की व्याख्या करने जा रहा हूं जहां गुरु शिष्य बन गया है, प्रेम पत्रम जैसे भक्ति के ग्रंथ में ऐसा वर्णन है, जहां पर गुरु शिष्य बन जाए और जहां पर शिष्य गुरु बन जाए, वही भक्ति की दुनिया है कि निर्बिन मीन दुखी अचीर बिन शिशु जैसे, और पीर की ये औषधि बिन कैसे रहो जात है, और चातक जो स्वाति बूंद, सुंदरदास जी का छंद याद आ गया सुना देते, और चातक जो स्वाति बूंद और चंद्र को चकोर जैसे, और चंदन की चाह कर सर्प अकुलात है, निर्धन जो धन चाहे कामिनी को कंत जैसे, और ऐसे जाके चाहता ही कछु ना सुहात है, प्रेम को प्रवाह ऐसो और प्रेम जहां नेम कैसो, सुंदर कहत ए तो प्रेम ही की बात है, और प्रेम को प्रवाह ऐसो प्रेम जहां जहां प्रेम है वहां नेम नहीं है भैया, इसी में एक प्रसंग आता है अहिल्या, आप सब लोग कहते हैं ना माताओं कि अहिल्या पत्थर की हो गई थी, पत्थर का हो जाने का मतलब तो मर जाना होता है, ये पत्थर क्या है, ये अहिल्या क्या है, मैं 2 मिनट में समझाना चाहूंगा, शायद आपको पहली बार सुनने को मिलेगा, मैं आपको थोड़ा अहिल्या समझा रहा हूं, ये कुसंग, ये किसी भी कुसंगी का साथ करने वाली ये जो आपकी बुद्धि है यही पत्थर हो जाती है, इसकी चैतन्यता विलुप्त हो जाती है, उसी को अहिल्या कहते हैं, काम सुख का चिंतन करने वाली ये जड़ बुद्धि जो है वही अहिल्या है, वही पत्थर है, और ये तब तक चैतन्य नहीं होती है जब तक श्री राम के चरण इसको नहीं मिलते, ये बुद्धि जब तक दुष्ट लोगों का साथ करेगी। विश्वामित्र जी को दिखाई नहीं पड़ी, राम जी को दिखाई पड़ी, भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, अरे गुरु जी ये माता जी कौन है जो बैठी है, विश्वामित्र जी बोले बेटा ये तो तुम्हारी प्रतीक्षा में ही है, इस पाप प्रपीड़ित पथरी को, अरे पदर जी का चेतन चूरत दो, इस अहिल्या के पति ने
श्राप क्या दिया था ये पता लगाना, पत्थर हो ना ये श्राप दिया था नहीं, इसको इसको जानने के लिए वाल्मीकि रामायण पढ़ना पड़ेगा। तथा सत्वा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में पूरा उद्धरण लिखा हुआ है, बहुत कम समय में संक्षिप्त रूप से मैं इसको बता के आगे बढ़ता हूँ। तथा सत्वाच वही सत्रम भार्या तो सत्वान यह वर्ष सहस्त्राणि बहून निवशिष्यसि वात भक्षा निराहारी तप्यंती भस्मशायनी अदृश्या सर्वं भूतानां आश्रयस्मिन् वसिष्यसि। गौतम ने कहा था अरे नारी हजारों वर्षों तक इसी कुटिया में पड़ी रहेगी, पहला श्राप। बात भक्षा हवा पीकर रहेगी, निराहारी धूप में तपती रहेगी, और भस्मशायिनी राख में लेटी रहेगी, और सबसे मुख्य बात यह है अदृश्या सर्वभूतानाम इस आश्रम में कोई भी आएगा किसी की आंखों से तू दिखाई नहीं पड़ेगी। हमको लगता है इसीलिए विश्वामित्र जी देख नहीं पाए थे और राम जी देख लिए थे, क्योंकि जिसको दुनिया में कोई नहीं देख पाता उसको श्री राम देख लेते हैं, और अहिल्या राम के नेत्रों से बच न पाई थी। बैठर अरे रोवे नी गुजरिया हो, एक निर्गुण का ही सुना था मैंने, कोई गा रहा था बड़ा अच्छा निर्गुण था, ये अहिल्या पे सभी बैठ रहे हैं। बैठर अरे रोवे नी गुजरिया हो कि चुनरिया में दाग गए, विश्वामित्र जी बोले बेटा इसको अपने चरणारविंद का स्पर्श कराओ, क्योंकि गौतम ने कहा था कि इसी मार्ग से श्रवणे अहिल्या जब रघुनंदन पधारेंगे उनके चरणारविंद का स्पर्श जब तेरे सर पर होगा तब तू पवित्र हो जाएगी, तदा तूता भविष्य से राम जी बोले गजब बात है, ये ब्राह्मणी मैं छत्री का बालक मैं अपना चरण। अहिल्या बोले बाबा आप तो सामने से हटिए, कृपया तब तो राम जी का चरण हमें स्पर्श मिलेगा। राम जी ने अपना चरण, गोस्वामी जी तो कहते हैं मम सिर धरे कृपाल हरि, मेरे सर पर आपने मेरे सिर पर अपना चरणारविंद धारण किया, और जैसे राम जी के चरणारविंद अहिल्या के सिर पर रखे गए पत्थर चमचम चमचम चमकने लगा। अब पत्थर का इस देश से बड़ा पुराना नाता है, आप तो जानते ही हैं, जहां देखो वहां पत्थर में भगवान प्रकट हो जाते हैं, जहां पांच वर्ष के बालक की इस भावनाओं से पत्थर का खंभा फटा तो चौदहवां अवतार नरसिंह प्रकट हो गए।
शायर ने कहा कि अरब की बात जाने दीजिए, हमको पता क्या है। लोग कोई कोई कह रहे था मुसलमान पत्थर को मक्का में चूमते, तो हमने कहा हिंदू भारत में पत्थर को पूजते। बोलो जय श्री हरि। है पत्थर दोनों जगह केंद्र बिंदु, मक्का में वो चूमा जाता है, भारत में पूजा जाता है। किसी ने कहा अरब की बात जाने दीजिए, हमको पता क्या है वहां पत्थर की है क्या है से? हम तो गए नहीं, काफिर जा नहीं सकता, हमको पता क्या है, लेकिन भारत में तो देख सकते हो। हमें तो देखना है भारत में कितनी बुत परस्ती है, इस हमारे मुल्क ने पत्थर से कितनी दोस्ती की है। दरो दीवार पे पत्थर यहाँ जलवे दिखाते हैं, कहीं चूमे जाते हैं, कहीं पूजे जाते हैं। दरो दीवार पे पत्थर यहाँ जलवे दिखाते हैं। असै प्राणा प्रतिष्ठन्त मंत्र से मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होती है। उनकी तरफ आप जब गौर से देखते हैं तो उसमें से एक ऐसी किरण आती है जो आपको ऊर्जा देती है। और क्या मूर्ति मंदिर से निकल के आपको बुरा कर्म करने से थोड़े रोकेगी, वो तो एक ऊर्जा है। चुंबक को जब लोहा मिलेगा तो चिपकेगा, बस मैं इतना जानता हूं। अहिल्या चरणों में गिरकर रोने लगी, बोले सरकार लक्ष्मण, राम जी बोले, लक्ष्मण जी बोले माता अब क्यों रो रही हो, अब तो आपका शरीर बड़ा सुंदर हो गया, श्राप मुक्त हो गई। अहिल्या बोली प्रभु इसलिए रोना आ रहा है कि यदि आप दूसरे की कुटिया पर गए होते तो मेवा मिश्री भोग लगाता, सोने की थाली से आरती उतारता, माला फूल से आपको लाद देता, लेकिन एक गरीब ब्राह्मणी। अहिल्या को वास्तव में रोना आ गया, बोले सरकार ये गरीब ब्राह्मणी रोने के अतिरिक्त क्या कर सकती है, आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। लक्ष्मण जी बोले भैया बहुत बढ़िया अवसर है, आशीर्वाद मांग लो माता जी से, क्योंकि हम लोग धनुष तोड़ने चल रहे हैं, हम लोग रघुवंश की पताका को आकाश में लहराने चल रहे हैं। राम जी बोले हाँ माता, मुझे कोई मेवा मिश्री फल फूल नहीं चाहिए, हमें तो आशीर्वाद दे दो। अहिल्या ने अपना आंचल उठाया। पहले भारत की महिलाओं के पास आंचल होता था जिससे वो आशीर्वाद देती थी, आजकल आंचल गायब बाल गायब। इस आंचल में बड़ी ताकत थी। जो जो कट्टर भारतीय महिलाएं हैं मैंने देखा है, दूसरे देशों में भी साड़ी पहने घूमती है, और जो हीन भावना से ग्रसित है। अहिल्या ने आंचल उठाया और कहा रघुनाथ जी आज ये ब्राह्मणी आपको आशीर्वाद देती है, एक पत्थर बनी नारी का और अपने पति से बिछड़ी हुई नारी का आज आपने उद्धार किया है, और ये ब्राह्मणी आपको आशीर्वाद देती है। सरकार एक दिन आपकी भी जिंदगी में ऐसा ही आएगा कि आप, मैं अपने पति से बिछड़ी थी, एक ऐसा दिन आएगा कि आप अपनी पत्नी से बिछड़े होंगे तो जिस पत्थर का यहां आपने उद्धार किया है वही पत्थर समुद्र में पुल बनाकर आपको आपकी पत्नी से मिला देगा। ये ब्राह्मणी आपको आशीर्वाद देती है, ऐसा कहकर अहिल्या की वाणी बन गई कि परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत गर्भ नायक जल सुख जाय जप होए कर जोर रही I'm gonna make you mine।